हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा, जिसके लिए देखिए सामग्री लगेगा हम आपको बता दे रहे हैं। ये हम मटन ले लिए हैं, हमारा 1 किलो ये मटन है, ये ले लिए हैं। और ये देखिए काजू है, और ये देखिए सूखा हुआ गरी का बुरादा है, ये ले लिए हैं। और देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं, ये दही है। और ये देखिए प्याज लाल कर लिए हैं इसको अच्छी तरह से। ये देखिए खड़े मसाले में हम बता दे रहे आपको क्या है। देखिए जीरा है, ये बड़ी इलायची है, तेजपत्ता है, जा ये फूल है, ये जावित्री हरी छोटी इलायची है, ये लौंग है, और ये गोल मिर्च है। ये सब हम अभी तवा रख कर तवे पे इसको अच्छे से हम लाल कर लेंगे, भून लेंगे। और देखिए भूखा हुआ मसाले में क्या है, हल्दी पाउडर है, ये भूखा हुआ मिर्चा पाउडर है, ये देखिए धनिया पाउडर है, और ये देखिए धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और ये जीरा पाउडर है। देखिए हम कैसे बनाते हैं। आगे हम जितना सारा मसाला है उसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए हम गैस जला लिए, उस पर हम तवा रख दिए हैं। देखिए इसको अच्छी तरह से हम भून कर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए गैस हम अच्छी तरह से इसको भून लिए हैं, अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तब तक के लिए बना लेंगे। इस पर देखिए हम कुकर चढ़ा लिए, इसमें हम तेल डाल दिए, अब इसी में हम डाल देंगे तेजपत्ता डाल देंगे इसी में। जब अच्छी से तरह से मेरा तेजपत्ता हो जाएगा तब इसमें हम मटन डालेंगे। देखिए गैस हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसी में हम डाल देंगे अपना ये मटन। डाल दिए हैं, अब इसी में हम डाल देंगे जितना अपना ये अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए गाइस हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। खूब भूनने के बाद देखिए हम ये भून लिए, अब इसी में हम डाल देंगे अपना ये दही। देखिए जो दही लिए इसको डाल देंगे, डालने के बाद इसको फिर से हम भूनेंगे। अभी भुना जाएगा तब इसमें हम सारा मसाला डालेंगे। देखिए गैस हमारा गोश्त भुना रहा है, तब तक हम मसाला जितना है वो पीस लेते हैं। देखिए हम जो ये सूखा बुरादा लिए गरी का, ये जार में डाल देंगे, और ये जो हमारा काजू है इसको हम डाल के खूब अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे ये सब का। देखिए गैस हम ये जो प्याज लाल कर लिए इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए अच्छा तरह से इसको भी हम इसी में डाल के पेस्ट बना लेंगे खूब बढ़िया से। इसको भी ये बारीक पीस लेंगे। देखिए इसको भी हम पीस करके, देखिए गैस हमारा गोश्त भुना गया, अब इसमें हम डालेंगे मसाला। देखिए ये भूखा हुआ मसाला है, इसको हम डालेंगे मिर्चा, ये भूखा हुआ है, और ये देखिए ये जीरा भूखा हुआ है, और ये देखिए हल्दी भूखी हुई है, और ये धनिया भूखा है, और ये हल्दी, ये सब हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। गैस हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुना गया, अब हम इसमें डालेंगे गरी का जो बुरादा था, और काजू जो हम देखिए पेस्ट बना ली इसमें हम डाल देंगे अब सारा। देखिए इस तरह से डाल के इसको हम अच्छी तरह से, इसको भी डाल के खूब अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। देखिए देखिए भुना जाए, इसी में अब हम जो पीस के अपना प्याज रखे हैं वो भी डाल देंगे इसी में। देखिए हम प्याज भी पेस्ट बना लिए, ये भी इसमें डाल देंगे। देखिए हम प्याज जो पीसे थे इसको, इसको भी हम इसी में डाल के खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम 1 गिलास सिर्फ पानी डाल के इसको हम पकाएंगे सीटी लगाकर। देखिए गैस अब इसी में हम नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। देखिए हम डाल देंगे,
अब इसको अच्छी तरह से हम भूनकर इसको हम सीटी लगा लेंगे। गैस हम इसका सीटी निकाल दिए हैं, अब इसको हम खोल लेते हैं। देखिए मेरा अच्छी तरह से पक गया है। देखिए हमारा गोश्त भी खूब अच्छी तरह से देखिए गल गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हम गरम मसाला, देखिए इसको जो हम पीसे थे इसको भून के इस पे से हम डाल देंगे। ऊपर से डालने से इसका खुशबू अच्छा आता है। देखिए इस तरह से हम डाल के इसको भी हम मिक्स कर देंगे। देखिए अब इसी में हम डाल देंगे धनिया पत्ता। देखिए हमारा मटन कोरमा बन के रेडी हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना था। अब इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस मेरा मटन कोरमा बन के रेडी हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। आप मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।